मुस्तफा कमाल साहब भी कहते हैं कि हमें ये कानून तस्लीम नहीं है। भाई तू है कौन? मतलब तुम्हारा एक आदमी असेंबली में नहीं, तुम एक चेयरमैन की सीट जीतने के काबिल नहीं हो, पता नहीं कोई एक आधा कौन से तुम्हारा बन जाए तो बड़ी बात है। वो भी कहता है कि हम नहीं मानेंगे। भाई ठीक है, तू कहता रहे कि कानून ठीक नहीं है, तुम कह दो कि इसके अंदर ये बुराइयां हैं, तुम कह दो कि इसके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, लेकिन मतलब ये कहना कि नहीं होने दूंगा, भाई ये क्या है? मतलब बंदे को कुछ थोड़ा सा होना चाहिए ना कि यार एहसास कि भाई मेरा वज़न कितना है। आदमी अपने वज़न के हिसाब से बात करता है ना। और वो कल कह रहे हैं 2001 का कानून करो, वो जमात इस्लामी भी कह रही 2001 का कानून करो। ओ भाई तुम ये सारी ज़िंदगी बैठे रहो असम्बली के सामने, 2001 का कानून नहीं आएगा, पंजाब में नहीं है, केपी में नहीं है, बलूचिस्तान में नहीं है, इस्लामाबाद में नहीं है, सिंध में किसी की ख्वाहिश पर 2001 का कानून नहीं आएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि दोबारा कोई फौजी आमिर आए, फिर दोबारा ऐसे हालात पैदा हों, फिर कराची का मेयर या नाजिम या चेयरमैन जो है जमात इस्लामी का हो जाए, तो वो हालात तो नहीं हो सकते ना। तो आप ठीक है अपने पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हो, आप करते रहो, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि MQMB इस वक्त लिसानियत की सियासत कर रही है, MQMB इस वक्त नफरत की सियासत कर रही है। मैं इनसे सवाल करता हूँ, जो आपने बैनर लगाया है कि कराची पे कब्ज़ा नामंजूर, किसका कब्ज़ा नामंजूर, किसके कब्ज़े के ख़िलाफ़ आप बात कर रहे हैं? कराची के लोगों को, सूबाए सिंध के लोगों को तकसीम करने की सियासत MQM करती रही है, कोशिश अब भी कर रही है, और उनके साथ इस वक्त जमात इस्लामी मिली हुई है। तो ये अपने ही ख़िलाफ़ इन्होंने बैनर लगाए हैं, और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपने आप को ये मुखातिब कर रहे हैं। मुझे हैरत नहीं होगी कि किसी दिन आपको एक प्लेटफॉर्म पर जमात इस्लामी, MQM, PTI और दीगर जमातें खड़ी हुई नज़र आए पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़। 47,000 टीचर हमने भर्ती किए, सखर IBSA किए, कोई एतराज़ नहीं है। अब MQM को इसलिए एतराज़ है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें मेरे पास हैं, आके इनके लोग मुझसे क्या बातें करते रहे मैं बताना नहीं चाहता हूँ। हमने उनकी बातें नहीं मानी है ना, हमने कहा नहीं ट्रांसपेरेंट तरीके से नौकरियाँ देंगे, अदालत में चले गए, ठीक है। बहरहाल अब गए, लेकिन इसमें मैं आपको बता दूँ, इन्होंने टीचर्स में कराची की जितनी वैकेंसीज थी कराची के लोगों को मिली हैं। कराची भी क्या, बल्कि एक UC की हद तक हमने महदूद किया है कि जिस UC में रहने वाले लोग हैं उन्हीं UCs को जो है वो वहाँ पर अकोमोडेट किया गया है। तो भाई इसमें कैसे एकतलफी हो रही है? 2001 में हैदराबाद को किसने तोड़ा था? MQM ने तोड़वाया था। क्यों तोड़वाया था? कि MQM का नाजिम बने वहाँ से। मटियारी आपने अलग किया, टंडोलायर आपने अलग किया, टंडो मोहम्मद खान आपने अलग किया। एक हैदराबाद में से इन्होंने कोई 9 डिस्ट्रिक्ट बना दिए इसलिए कि MQM अपनी चौधराहट बनाए और वो हैदराबाद का डिस्ट्रिक्ट को जीत जाए। तुमने बदध्यानती पे उस वक्त ये सारा काम करवाया, और उस वक्त अगर कराची के अंदर हम कहते थे कि जी मुख्तलिफ DMC बनाओ तो उसकी मुखालफत करते थे। हैदराबाद को तोड़ना कबूल है, कराची में अलग अलग बनाना जो है कबूल नहीं है। यहाँ उनको सूट करता है तो ये अच्छा, वहाँ उनको वो सूट करता है तो वो अच्छा। ये जो अपने आप को चैम्पियन कहते हैं, उनको पता नहीं है कि गुलशन इकबाल अल्लामा इकबाल के नाम पर नहीं है। वो फरमा रहे थे ये तो शायर मशरक अल्लामा इकबाल और उनके नाम पर है, भाई उसके नाम पर गुलशन इकबाल नहीं है। थोड़ी तारीख पढ़ें, गुलशन इकबाल हकीकत में इकबाल गोट था, इकबाल गोट था, इकबाल गोट था, बाद में वो इकबाल गोट से गुलशन इकबाल बन गया। वो इकबाल गोट अल्लामा इकबाल के नाम पे नहीं था। फिर वो आगे साइट पे, साइट तो भाई इंडस्ट्रियल एरिया है, कोई तारीखी नाम नहीं है, किसी शख्स का नाम नहीं है, किसी आबादी का नाम नहीं है। वहाँ अगर हमने टाउन का नाम मोरड़ो मीरभर के नाम पे रख दिया, उसको भी कहते हैं लिसानियत की बुनियाद पर रखा। मोरड़ो मीरभर जिसके ख़ानदान के नाम पर कराची का नाम है, उसके नाम रखने पर एतराज़ है, इसमें कौन सी लिसानियत है भाई? फिर उन्होंने ये फरमाया कि जी सिंध हुकूमत ने कराची के देही इलाकों को जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल थी वो ख़त्म करके इसको शहरी आबादी के साथ मिला दिया है और ये कराची पे कब्ज़े करने का मंसूबा है। ज़रा इनसे पूछिए कि 2001 में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल थी? 2001 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ का जो कानून आया था जिसमें MQM ने इंतखाबात में हिस्सा लिया था, जिस पर मुस्तफ़ा कमाल
और नेमतुल्ला खान साहब नाजिम बने थे, उस वक्त भी कराची में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नहीं थी और कराची की देही आबादी और शहरी आबादी एक थी।